बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ पाकिस्तान स्टडी विच इज़ फॉर द रिटन वर्क ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 4, नेम इज़ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो ये उसी कंटिन्यूटी हैं, उसी लास्ट लेक्चर जो थी आप लोगों ने से यहाँ लिखा है एसेट्स प्रॉब्लम्स, जो वो हमने लिखा है तो बिल्कुल पैच छोड़ना भी नहीं है कोई चीज़, बल्कि उसी ही की नीचे जो ये हेडिंग हमने लिखा है एसेट प्रॉब्लम, लास्ट तक क्या लिखा है, पाकिस्तान वाज नॉट गिवन इट्स ड्यू शेयर विच क्रिएटेड सो मैनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फॉर द नेशन। आज हमने नेक्स्ट टॉपिक लिखना है, प्रॉब्लम नंबर 4 इज अबाउट केनाल वाटर प्रॉब्लम। केनाल वाटर प्रॉब्लम आप हेडिंग दे दें, व्यू मार्कर से पेज प्रिपेयर करें, अंडर मार्जिन लाइनिंग सब कुछ आप ड्रा करें, फिर उसी ही के बाद नेक्स्ट लाइन में आपने केनाल वाटर प्रॉब्लम हेडिंग दे दी ब्लू मार्कर से लिखने के बाद अंडरलाइनिंग भी करें। रेड क्लिप अनजस्टली हैंड ओवर द हेड वर्क्स ऑफ सम इम्पोर्टेंट रिवर्स टू इंडिया। जो बाउंड्री कमीशन के लिए जो कमीशन कायम किया गया था बाउंड्री के लिए, इसके जो मेंबर थे जो हेड थे वो रेड क्लिप थे, तो रेड क्लिप जो थे उन्होंने जो हैंड ओवर किया था हेडवर्क्स ऑफ द सम इम्पोर्टेंट रिवर्स, जो हेडवर्क्स थे इम्पोर्टेंट रिवर्स की, तो वो इंडिया को हैंड ओवर कर दी थी अनजस्टली, ना इंसाफी के साथ उसने ज़्यादातर हेडवर्क्स जो थे रिवर्स की तो वो किसको हैंड ओवर कर दी, तो वो इंडिया को। रेड क्लिप को ब्लैक मार्कर से लिखें, फिर ऑन 1 अप्रैल ये भी ब्लैक मार्कर से लिखें, On 1st April 1948, Indian government closed the headworks of Pakistan canal without prior information. बगैर किसी information के अप्रैल 1948 को इंडियन गवर्नमेंट ने उसी हेडवर्क्स को, जहाँ पर पानी को बंद किया जाता है, हेडवर्क्स होते हैं, तो इसी हेडवर्क्स केनाल की जो नहरी थी उनको उन्होंने बंद कर दिया बगैर किसी information के, which destroyed क्रॉप्स इन पंजाब, जहाँ पर इसने क्रॉप्स को तबाह किया पंजाब पर। दिस वॉज अ बिग इशू फॉर द न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट, तो ये बहुत बड़ा मसला था एक नए रियासत के लिए। वाटर का सप्लाई वॉज रिस्टोर्ड आफ्टर इंटरिम एग्रीमेंट, सप्लाई जो थी वो रिस्टोर हो गई इंटरिम एग्रीमेंट से आर्जी तौर पर, इंटरिम मीन आर्जी फॉर द टाइम बीइंग। इंटरिम गवर्नमेंट को ब्लैक मार्कर से लिखी, पाकिस्तान अप्रोच यूएन, यूएन को ब्लैक मार्कर से लिखें, यूएन को अप्रोच किया फॉर परमानेंट सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन मुस्तकिल सोल्यूशन के लिए उसने अक़्वामे मुत्तहिदा से रुजू किया, एट लास्ट विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड बैंक इंडस बेसिन ट्रीटी, यहाँ ये भी ब्लैक मार्कर से, इंडस बेसिन ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन द टू कंट्रीज इन 1960s, कब हुआ था 1960, तो यहाँ पर ब्लैक मार्कर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ तो हम और नहीं कर सकते, ठीक है। तो बस यही तक आपने बस जो इम्पोर्टेंट है वो हमने कर दी, साइन बिटवीन द टू कंट्रीज इन 1960 एज पर एग्रीमेंट द ईस्टर्न रिवर्स, कौन सा मुआहदा इंडस बेसिन ट्रीटी में क्या मुआहदा हुआ, अगर किसी को फिर भी एक्सप्लेनेशन ज़्यादा चाहिए तो ये ऑलरेडी एक्सप्लेन हुआ है वीडियो में, तो वहीं पर जाकर आप वीडियो में देख सकते हैं, लेकिन फिर भी ओवरव्यू की तौर पर मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि उनकी डिवीजन की एग्रीमेंट में एक ईस्टर्न रिवर्स थी और एक वेस्टर्न रिवर्स थी। तो ईस्टर्न रिवर जो सतलुज से ब्यास थी, BIAS नहीं है BIAS, एंड रावी वर गिवन टू इंडिया, कौन कौन से रिवर, सतलुज ब्यास रावी जो ईस्टर्न रिवर्स थी इंडिया को दे दी, वाइल चेनाब जेहलम एंड इंडस वर गिवन टू पाकिस्तान, और जो वेस्टर्न थी जो चेनाब था जेहलम था और इंडस था वो पाकिस्तान के हिस्से में आए, ये इंडस बेसिन ट्रीटी के थ्रू पर। अगेन आप सुन ले, रेड क्लिप अनजस्टली हैंड ओवर द हेड वर्क्स ऑफ सम इम्पोर्टेंट रिवर्स टू इंडिया, ऑन 1st April 1948 इंडिया गवर्नमेंट क्लोज द हेड वर्क्स ऑफ पाकिस्तान केनाल विदाउट प्रियर इंफॉर्मेशन विच डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स इन पंजाब, दिस वॉज अ बिग इशू फॉर न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट, सप्लाई वॉज रिस्टोर्ड After interim agreement, Pakistan approached UN for permanent solution. At last, with the help of World Bank, Indus Basin Treaty was signed between the two countries in 1960s.
1960. As per agreement, the Eastern River, example, Sutlej, Bias, Biaska spelling theek kar di, BIAS, Ravi were given to India, while Chenab, Jhelum and Indus were given to Pakistan. इसी तरीके से लिखने के बाद आप नेक्स्ट हेडिंग दे दें, ज्योग्राफिकल एंड डिफेंस प्रॉब्लम. ज्योग्राफिकल एंड डिफेंस प्रॉब्लम ब्लू मार्कर से लिखें, अंडरलाइनिंग भी करें. देयर वाज 1600 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान. 16 किलोमीटर ब्लैक मार्कर से लिखें. इंडिया वाज बिटवीन द टू पार्ट्स. अगर हम देख लें 1971 से पहले तो पाकिस्तान की टू विंग्स थी, एक ईस्ट विंग था एक वेस्ट विंग. जो ईस्ट विंग जो था वो जो आजकल जो बांग्लादेशी है उस बंगाल के नाम से याद किया जाता था, और हम ये हमारे साथ था, ये हमारा हिस्सा था. तो इन ही दो पार्ट थे पाकिस्तान के, तो इनके दरमियान 1600 किलोमीटर का फासला था. और इसी के दरमियान ये तो 1600 किलोमीटर का फासला भी था, लेकिन इन ही फासले के दरमियान इंडिया भी था इन दो पार्ट से. तो यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे हमारे. This situation was very alarming, both alarming thi because khatarnak thi, because Pakistan was not strong in economically and militarily. Kyun alarming thi hamare liye, kyun danger thi ye situation ke 1600 kilometer ka faasla darmiyan mein India, kyunki hamari jo Pakistan thi initially taur par to wo economically strong bhi nahi tha, na economically strong and militarily, aur na militarily aur dipai taur par jo thi wo hum mazboot nahi thi. तो यही प्रॉब्लम हमें रहा. सो द गवर्नमेंट वाज इन कांस्टेंट स्ट्रगल टू स्ट्रेंथन इट्स डिफेंस. इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कि कांस्टेंट स्ट्रगल मुस्तकिल तौर पर जद्दोजहद स्टार्ट की टू स्ट्रेंथन, की मजबूत करे अपनी डिफेंस को. अगेन आप सुन लीजिए, ज्योग्राफिकल एंड डिफेंस प्रॉब्लम. देयर वाज 1600 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान. इंडिया वाज बिटवीन द टू पार्ट्स. दिस सिचुएशन वाज वेरी अलार्मिंग बिकॉज पाकिस्तान वाज नॉट स्ट्रॉन्ग इन इकोनॉमिकली एंड मिलिट्री. सो द गवर्नमेंट वाज इन कॉन्स्टेंट स्ट्रगल टू स्ट्रेंथन एंड डिफेंस. नेक्स्ट हेडिंग दे दें, इकोनॉमिक प्रॉब्लम. माशी मसाइल ब्लू मार्कर से लिखें. ब्लू मार्कर से लिखने के बाद डबल अंडरलाइनिंग भी करी पेंसिल से. इकोनॉमिकली इट वाज वेरी डिटोरिएटिंग सिचुएशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. पॉलिटिकल क्राइसिस एंड अराइवल ऑफ रिफ्यूजीज फर्दर डिस्टर्ब द सिचुएशन. इकोनॉमिक सिचुएशन जो बहुत थी वो बहुत ख़राब थी, डिटोरिएटिंग सिचुएशन थी. तो यहाँ पर जो पोलिटिकल क्राइसिस थी वो भी सिचुएशन जो थी फर्दर हालात को ख़राब कर गई. जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी थी और इसके अलावा रिफ्यूजीज की अराइवल ने भी यहाँ की सिचुएशन को बेहद ख़राब किया, डिस्टर्ब किया. द एरिया गिवन टू पाकिस्तान वर बैकवर्ड इन एग्रीकल्चर एक्सेप्ट सम डिस्ट्रिक्ट. जो एरिया पाकिस्तान को मिले थे डिवीजन के वक्त वो बिल्कुल बैकवर्ड थे एग्रीकल्चर में. कुछ डिस्ट्रिक्ट के अलावा बाकी जो थी बैकवर्ड्स थी, जो बहुत पासमंद आते हैं. बट द गवर्नमेंट विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल द क्रिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन एंड गिव द कंट्री स्टेबिलिटी. तो उनको जो क्रिटिकल इकोनॉमिक कंडीशन थी उनको कंट्रोल किया बड़ी जिम्मेदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, एंड गिव द कंट्री स्टेबिलिटी, और कंट्री को स्टेबिलिटी की तरफ ले गए. अगेन आई विल रिपीट, इकोनॉमिकली इट वॉज वेरी डिटोरिएटिंग सिचुएशन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. पोलिटिकली political crisis and arrival of refugees further disturbed the situation. The areas given to Pakistan were backward in agriculture except some districts, but the government with great responsibility controlled the critical economic condition and gave the country stability. Next heading there is courage of the nation. Next heading there is courage of the nation. ब्लू मार्कर से अंडरलाइनिंग भी करें. इसके बाद आप स्टार्ट करें, इन स्पाइट ऑफ दिस इंटायर प्रॉब्लम पाकिस्तानी नेशन शो करेज एस हाई हिमालयन माउंटेन्स एंड ओवरकम द ड्रैगन ऑफ प्रॉब्लम्स विद मर्सी ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह.
इसके अलावा हम जो जितनी भी प्रॉब्लम थी, तो अगर हम देख ले करेज ऑफ द नेशन, हौसला दे के नेशन का, एज ए पाकिस्तानी कौम अभी तक जो आज़ादी से लेकर अभी तक 2020 तक जितनी भी प्रॉब्लम का हमें सामना पड़ा रहा ना, हमें खर्च हमने हौसला, हमारी जो कौम का हौसला है वो बहुत बड़ा रहा है इसमें। हालात का उन्होंने अच्छी तरह मुकाबला किया हो, जितनी भी नेचुरल डिजास्टर आए हैं या जो भी हैं, जो भी प्रॉब्लम क्राइसिस का पॉलिटिकली, तो उसी नेशन ने बड़ी हौसले से इनका मुकाबला किया। यहाँ पर अगर हम देख लें तो इसी ही तरह पाकिस्तानी नेशन ने इसी ही प्रॉब्लम्स का भी बड़ी करेज से मुकाबला कर लिया। यानी क्या इन स्पाइट ऑफ दिस इंटायर प्रॉब्लम्स पाकिस्तानी नेशन शो करेज, उसने ऐसा हौसला दिखाया किस तरह इस हाई हिमालयन माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन्स की तरह हाई, उसी की तरह जितना हाई हाइट उनसे कंपेरिजन किया गया है कि इतना बड़ा हौसला था इन लोगों का। एंड ओवरकम द ड्रैगन ऑफ प्रॉब्लम्स विद मर्सी ऑफ अल्लाह, और कम हुए ड्रैगन, यहाँ पर अजदहा को कहते हैं लेकिन हम सिवियर को कहते हैं, ज्यादा जो प्रॉब्लम थी इनको कम हो गए विद द मर्सी ऑफ अल्लाह, अल्लाह की रहमो करम से। जो ज्यादा प्रॉब्लम थी, जो ड्रैगन ऑफ प्रॉब्लम्स थी, तो वो अल्लाह की रहमो करम से वो खत्म हो गए और पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ा। नेक्स्ट हेडिंग दे रहे कंक्लूजन, व्यू मार्कर से लेके अंडरलाइनिंग करें। इसी में जो फर्स्ट पैराग्राफ में करें, जो ऑब्जर्वेशन में हिमालयन माउंटेन्स को ब्लैक मार्कर से लिखें और अल्लाह अलमाइटी को भी ब्लैक मार्कर से लिखें। कंक्लूजन व्यू मार्कर से लेके अंडरलाइनिंग भी करें। इट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल डेट एवरी नेशन हैज टू फेस डिफिकल्ट सिनारियो एट अर्ली स्टेजेस, but the problem faced by Pakistan were so enormous, severe, and Hindus didn't accept the creation of Pakistan wholeheartedly. However, Pakistani nation overcome all these problems with great courage and confidence. And at the end of this long question, आप ये long question लिख लें, इसके बाद आपने finishing line draw करनी है, ठीक है? जो भी आपको लवाजमात बाकी है, या माइंड मैप बाकी है, या अंडरलाइनिंग बाकी है, या जो डेट बाकी है, पेज प्रिपरेशन बाकी, तो वो आप अच्छी तरीके से लिखें, क्योंकि जब स्कूल रीओपन होगा तो इंशाल्लाह फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनकी रीचेकिंग करेंगे, चेकिंग करेंगे, जितना आपने याद किया है, जितना लिखा है जो काम, तो इनकी इंस्पेक्शन ज़रूर होगी। तो आप काइंडली टाइम पर होमवर्क किया करें, जो लर्निंग होती है, जो रिटन रिटन वर्क होती है, तो आप टाइम पर ये किया करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन करेंगे। दैट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।